की दुनिया में जो दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं कि वो सच हो, राइट। एक आदमी है जो चुपचाप अपना काम करता है, राइट, और ये काम कैसे करता है, तो यहां पर एक लाइन लिखिए, पोलाइटनेस इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड मोर देन ए लेदर वेपन। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है पोलाइटनेस, राइट, जो गुरुदेव हर एक के साथ करते हैं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, किसी ने परेशान किया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, राइट, हर आदमी से, राइट। तो ये जो पोलाइटनेस है, इससे बड़ा हथियार दुनिया में लोगों को एनर्जी देने के लिए दुनिया में आज तक कोई बना हुआ नहीं है। और इवन ऐसे आदमी के खिलाफ है ना, इवन ए सेन पर्सन विल नॉट डेयर टू डिसएग्री, यानी कि एक गधे से गधा आदमी भी इसके साथ उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं रख पाएगा। ये मतलब है। एक वीडियो देखो, रतन टाटा जी भी रिसेंटली एक अवार्ड ले रहे थे, और आप सबको मालूम है दुनिया की इंग्लैंड की सबसे मशहूर कंपनी जगुआर, वो उन्होंने खरीदी थी, और जब खरीदी थी, राइट, वो अवार्ड मिला, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, मैं बीच बीच में पॉज करता रहूंगा। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन एंड थैंक यू मेंबर्स ऑफ द जूरी। आई कांट से इनफ टू express my appreciation for having this great honor bestowed on me. मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता जो भी मुझे सम्मान दिया गया है स्टेज पे आने के लिए, या जो भी मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, राइट। यानी कि जब आप कहीं पर बात करने के लिए खड़े होते हैं तो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मायने रखती है, राइट। तो स्टार्ट कहाँ से किया कि आप सब लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी, राइट, इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। अगली लाइन देखो, honestly, we'll never forget this. और मैं इस ये शाम कभी नहीं, मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। All through my career, there was one company that took most of my attention. That was Tata Engineering, which became Tata Motors. I spent much of my spare time, to the annoyance of some of my colleagues in that company, because the automotive industry to me was one of the most exciting industries I've been involved in. ये बोल रहे हैं कि मेरे पूरे करियर के दौरान, आप सबको मालूम है इनकी 50 किस्म की बिजनेस है और 50 किस्म की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन बोलते पूरे कैरियर के दौरान मैंने सबसे, मेरा जो भी स्पेयर टाइम होता था 50 कंपनियों के अलावा, जो मेरा जितना भी स्पेयर टाइम होता था एक्स्ट्रा टाइम, वो मैं सारा का सारा टाटा इंजीनियरिंग को देता था, राइट, जो टाटा मोटर इंजीनियरिंग बाद में चल के टाटा मोटर बनी, और वो भी मेरे बहुत सारे कोलीग्स के नाराज होने के बावजूद। ध्यान देना यहाँ पर कि मैं वहां पर अपना ज्यादा टाइम देता था, क्योंकि जो 50 कंपनियां हैं इनकी, उन सब का एक एक हेड है, तो वो भी तो इनका टाइम मांगते हैं, सर हमारे पे टाइम डालो, सर हमारे पे टाइम डालो। जब आप बड़े लीडर बन जाएंगे तो आपके भी तो बहुत सारे रोल टीचर होंगे, वो बोलेंगे आप यहाँ पे टाइम डालो, आप यहाँ पे टाइम डालो, आप यहाँ पे टाइम डालो, तो ऐसी स्थिति आपके सामने भी आएगी। तो यही कहना चाह रहे कि मेरे टाटा सन्स के ऊपर, टाटा इंजीनियरिंग जो बाद में चल के टाटा मोटर बना, बहुत सारे लोगों की नाराजगी के बावजूद अपना बहुत सारा स्पेयर टाइम उसके ऊपर डाला, क्योंकि ये जो फील्ड था ये बड़ा इनोवेटिव था, इसमें स्टाइल है, टेक्नोलॉजी है, स्पीड है, डिजाइन, स्टाइल, technology, speed, it was just a life of its own. ये अपने आप में एक भरपूर जिंदगी है, लगातार इनोवेशन, लगातार स्टाइल, लगातार क्रिएटिविटी, स्पीड, ये सब चीजें मिलके अपने आप में एक जिंदगी बनाती है, जो उसको पसंद था, रतन, जो उनको पसंद है रतन टाटा जी को। Today to share this platform with icons of the industry is something that I'm just very humbled by. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस इंडस्ट्री के इतने बड़े दिग्गजों के बीच में मुझे ये प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला है, राइट? यानी कि हॉल में बैठे हुए हर एक आदमी को इसने दिग्गज बोला है, राइट? तो हम जब स्टेज पे जाते हैं तो कई बार भूल ही जाते हैं हमारे सामने कौन बैठा हुआ है, राइट? और अपना सिर्फ अपने नाम से लेना देना होता है, राइट? बट जब भी मीटिंग होते हैं, यू हैव टू रिकॉग्नाइज एवरीवन इन द रूम। Before I
sit down. I just thought I'd share with you the experience I had with Jaguar Land Rover. इससे पहले मैं बैठ जाऊं जगुआर और लैंड रोवर के बारे में मेरा तजुर्बा आपको बताता हूं। We bought it. That's too long a story. When Ford decided to sell. Ford ने जब इस कंपनी को बेचने का फैसला किया तो हमने खरीद लिया। And my friends sort of distanced themselves from me by saying, "What are you going to do with this?" और बहुत लोगों ने इनसे दूरियां बना ली इन्हीं की कंपनी में क्योंकि चेयरमैन थे और यहाँ पर जो भी होता है वो सारा क्या बोलते हैं सिस्टम के तहत होता है राइट। और आगे चल के कोई भी जो भी काबिल आदमी है वो चेयरमैन बन सकता है, ये सब कुछ वोटिंग के थ्रू होता है। तो बोला कि जब ये मेरा फैसला था तो एज ए चेयरमैन, तो बहुत लोगों ने मेरी ही कंपनी में जो क्लोज थे उन्होंने मेरे से दूरियां बना ली कि घाटे की कंपनी को खरीद के आप क्या करोगे, इसका क्या करोगे, इंडिया में जगुआर बेचोगे क्योंकि वो कारें बहुत महंगी है और बहुत बड़ा लेकिन ब्रांड इमेज बहुत बढ़िया राइट। उन कारों की कंपनी घाटे में लेकिन ब्रांड इमेज जगुआर की पूरी दुनिया में बहुत बड़ी है और वो इन्होंने खरीदा। और लोगों ने इससे पूछा कि आप इसका क्या करोगे, वो लोग जो इनके साथ काम करते हैं आप इनका क्या करोगे नाराज होके। Quite frankly, I didn't know. और उसने बोला कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या करने वाला हूँ राइट। सो जब आप बात करते हैं तो आप बनावटी बात मत कीजिए, जो भीतर है उसको बाहर आने दीजिए, आप बहुत अच्छे स्पीकर अपने आप हो जाएंगे। जब भी लोग बनावटी बातें करते हैं ना और किताब में पढ़ के किताब के सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे वो अपने आप को खो देंगे, उनको पता ही नहीं होगा क्या तो मुंह से बोल रहा है, क्या पब्लिक को सुनाई दे रहा है और क्या वो सेंटेंस बोल रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है और पब्लिक का टाइम बर्बाद कर दिया और उनको कोई मिला कुछ मिला भी नहीं राइट। तो जब आप मीटिंग में होते हैं तो आपके मीटिंग की वजह से लोगों को कुछ गेन होना चाहिए तो अपने आप मीटिंगें सुपरहिट होना शुरू हो जाएंगी। और आपकी वजह से एज ए लीडर अगर किसी को कुछ गेन नहीं हुआ, कोई उनको भीतर से आत्मा की तृप्ति नहीं हुई कि हाँ आज कुछ सीखने को मिला, तो कोई भी आप जबरदस्ती लोगों के पीछे पड़े रहोगे, मीटिंग में आओ मीटिंग में आओ मीटिंग में आओ मीटिंग में, नोबडी विल कम राइट। सो ये कहना चाह रहे हैं, आगे देखो। And that refrain changed from what are you going to do with this to how stupid could you be to buy this. अब ये बोल रहा है कि जैसे लोगों ने पूछा तो मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया कि मैं कितना बेवकूफ हूँ जो ये काम मैंने किया, मतलब एक आदमी कितना बेवकूफ हो सकता है जो इसको खरीदने का फैसला किया राइट। सो इवेंचुअली माय फर्स्ट मीटिंग विद द वर्कर्स इन कोवेंट्री एंड जेएलआर was a horrible question. What are you going to do with this plan? Are we going to close down some of the plants that we have in hardly using the capacity? फिर ये जगुआर लैंड रोवर की फैक्ट्री में गए जो इंग्लैंड में थी और कई देशों में थी और वहां पर सभी लोगों से मिले, वर्कर से मिले, तो बोला वही सवाल उनके भीतर से फिर खड़ा हो गया, हॉरिबल क्वेश्चन कि आप क्या करोगे इस प्लांट के साथ, इतनी सारी फैक्ट्रियां कुछ प्लांट बंद करोगे क्या करोगे, है ना, बोला फिर वही खड़ा हो गया। और या फुल कैपेसिटी पे प्लांट नहीं चल रहे, मान लो एक दिन में 100 गाड़ी बनती है तो अभी 5 ही बन रही है राइट, वर्कर को निकालोगे फैक्ट्री बंद करोगे क्या करोगे, बोला वो फिर सांप की तरह सवाल मेरे सामने फिर खड़ा कर दिया गया। And I just had no way to say that I knew what we were going to do. और मेरे पास कुछ नहीं मालूम था मेरे को कि क्या करना है राइट। और फाइनली बोला, मैं खड़ा हुआ और मैंने जो बोला, I stood up and said, why don't we do this? Why don't we shoulder to shoulder recreate the image that these two brands had and reignite the power of those two brands? बोला फिर अचानक मेरे दिमाग में विचार कौंधा, मैं खड़ा हुआ और उसने बोला कि क्यों नहीं हम इन दोनों ब्रांड की ब्रांड इमेज को रिक्रिएट कर दें, रीडिजाइन कर दें और हम कंधे से कंधा मिला के इस काम को करेंगे तो एक नया मिरेकल होगा राइट। ये बात इसने अपने सारे लोगों से बात की और ये दोनों ब्रांड की जो पावर है राइट, इसको रीडिजाइन रिक्रिएट करके दुनिया के सामने लेके आ जाएं। I'm pleased to say that I did nothing more.
बताने में बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि बोला इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। और जो बाकी वहां पर टीम लीडर थे, राफाल जिसके नाम लिया, बोला वो और जितने भी टीम लीडर थे उन्होंने इस आइडिया के ऊपर काम किया। बोला राफाल मुझसे ज्यादा इस अवार्ड का हकदार है। और उन्होंने जो है वो कंधे से कंधा मिला के बोला इस कंपनी में के अंदर एक ह्यूज डिफरेंस वापस क्रिएट कर दिया, जो इतने हजारों इतने सौ इतने साल पुरानी जो कंपनी है उसको वापस से एकदम जो है वापस दुनिया के टॉप पे लेके आ गया। और यहाँ पर जो मैं अवार्ड रिसीव कर रहा हूँ वो उन 20,000 जो कर्मचारी हैं, जो 20,000 लोग हैं जो प्लांट में दिन रात काम करते हैं, उनके बिहाफ पे मैं इस अवार्ड को ले रहा हूँ। ये अवार्ड उनका है, लेकिन क्योंकि 20,000 लोगों को अवार्ड नहीं दिया जा सकता, इसलिए उनके बिहाफ पे उनकी तरफ से ये अवार्ड मैं ले रहा हूँ। ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड उन लोगों का है, राइट? सो पूरा का पूरा क्रेडिट and the team at JLR who are truly the deservers of this award. But बोला अवार्ड मुझे दे रहे हैं, अवार्ड मुझे दे रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि अवार्ड पूरे सारे टीम का है, लेकिन क्योंकि 20,000 लोगों को अवार्ड नहीं दिया जा सकता इनके, इसलिए उनके बिहाफ पे, लेकिन इस अवार्ड के रियल हकदार वो है। अब आप सोचो ये जो 2 मिनट है, इस 2 मिनट में आदमी की ब्रांड, कंपनी की ब्रांड कितना बड़ी एनर्जी पूरे के पूरे लोगों को दे दी, राइट? तो इसलिए बोलते हैं कि अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान रखें कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि काम जिंदगी भर का है। तो इसलिए प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज और आदमी की, क्योंकि आदमी सबसे बड़ा प्रोडक्ट है।